ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। कहा आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। दूसरी जानिब पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कीमतों में इजाफा ना गुजर है। तानिया गौहर रिपोर्ट कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नई हुकूमत के लिए चैलेंज। आवाम में साख बरकरार रखनी है तो मईशत का इस्तेकाम भी मद्देनजर रखना है। अवामी हलकों में ही नहीं बल्कि अरकीन पार्लियामेंट भी पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अरकीन का कहना है कि हुकूमत के लिए इजाफा नागुजीर है। लीडर को भी जो ये सोचना चाहिए कि पब्लिक के हवाले से नहीं पाकिस्तान के हवाले से फैसले क्या होना चाहिए। अगर फौरी तौर के ऊपर हमने अपने इंटरनल रिसोर्सेज और जो एक्सटर्नल हमें कोई अवेलेबिलिटी है उनको हमने जनरेट ना किया, माशी जो है एक मेल्ट डाउन जो है खुदा खास्ता हो सकता है। अगर पेट्रोलियम की मसनूआत जो है वो बढ़ती हैं तो फिर उसके अलावा कोई हल नहीं है। अरकीन मशवरा दे रहे हैं कि मौजूदा हालात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बड़ा चैलेंज है। इजाफे की सूरत में मुतबादिल रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। अगर हुकूमत इसका रिलीफ देना चाहे आवाम को किसी और सूरत में अल्टरनेट कि उनको कम से कम ये इजाफा इतना ज्यादा न लगे तो फिर मैं समझती हूँ कि कुछ कंपनसेशन हो सकती है। माजी की हुकूमत का था कि इन्होंने कीमतों में कमी तो वाकया की लेकिन इन्होंने उस कमी को वाकया करने के बाद जो पैसे रखवाने थे सब्सिडी को देने के लिए वो पैसे नहीं रखवाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अवामी रिलीफ मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। मौजूदा हुकूमत का कहना है कि अवाम को सहूलत तो दी लेकिन दी जाने वाली सब्सिडी का दीगर इंतजाम न होने के बायस खजाने पर बोझ पड़ा है। तानिया गौहर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद।